नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल से बिहार के स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती तस्वीर सामने आई है। इसे देख आप हैरान हो जाएंगे। नरकटियागंज के अनुमंडलीय अस्पताल में लाइट नहीं है, जेनरेटर खराब है, मोबाइल की टॉर्च से मरीजों का इलाज चल रहा है और स्वास्थ्य महकमा के साथ जिला प्रशासन बेखबर है। तस्वीर में देखिए मोबाइल की टॉर्च के उजाले में किसी को पानी चढ़ाया जा रहा है, किसी को टांका लगाया जा रहा है, किसी को इंजेक्शन दिया जा रहा है, तो कहीं प्रसव कराया जा रहा है। दो दो महिलाओं का मोबाइल की टॉर्च के उजाले में प्रसव कराया गया है। प्रसव कराने वाली महिलाओं का नाम निशा देवी और रिंकी देवी हैं, जो बिरंची और गोखुला की रहने वाली है। अस्पताल में वर्दीधारी इस महिला को देखिए, जो प्रशिक्षु डीएसपी सपना रानी है, जो शिकारपुर थाना की थानाध्यक्ष हैं, मरीजों के इलाज के लिए हर संभव मदद कर रही है। यह तस्वीर हैरान कर देने वाली है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग की पोल खुलती यह तस्वीर है। 112 पुलिस की टीम सड़क हादसे में घायल दो युवक को लेकर आई है, उसका भी मोबाइल टॉर्च के उजाले में टांका लगाया जा रहा है। मरीज के साथ आए परिजन अपना अपना मोबाइल का टॉर्च चला रहे हैं, इलाज हो रहा है। अस्पताल में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। दिक्कत भी बार हुआ लोग के, सब मरीज चढ़ा पानी चढ़ाता है, बच्चा पैदा ऐसे बैल बा चढ़ाओ के सीधे चढ़ाओ के कहाँ सुविधा। कब से लाइट कटल बा? शाम से रात भर लाइट कटल बा। मरीज कितना दिक्कत बा, सवे लोगो मरता, मरीजो मरता, लड़का का सकला भी नहीं होता, लड़का घुरघुराता है, लाइट नहीं जो लड़का सका, लाइट आई तो सका आई, लड़का घुरघुराता। आई कब से लाइट कटल बा? लाइट बा का कहता लोग अस्पताल के लोग काम कर रहे हैं? कैसे काम कर रहे हैं सर? यहाँ के एडवर्स कंडीशन में काम करना पड़ता है, हमारे यहाँ अचानक से जनरेटर जल गया है, और वैसा जनरेटर शायद बाहर से आता है, सब बनाने का मैकेनिक आएगा, अब आया है बना रहा है, लेकिन फिर दिक्कत है। बताया जा रहा है दोपहर से ही स्थिति बनी हुई है, लाइट अप डाउन कट रही है। सर आप लोग अंधेरे में काम कर रहे हैं, क्या करेंगे? सेवा करना है तो करना ही पड़ेगा, काम तो करना ही पड़ेगा किसी भी कंडीशन में। मोलो कुछ देर में खत्म हो जाए। बोल दीजिए ना, देखने लगा।